यूपीपीसीएल के 28 नए विद्युत केंद्रों का सीएम योगी ने आज लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया और यूपी वासियों को सौगात दी है। 3,135 करोड़ की लागत से उपकेंद्र को तैयार किया जाएगा। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। दुनिया में अब तक 68,44,838 कोरोना के मरीज हो गए हैं। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या विश्व में इजाफा के साथ फैल रहा है, जो पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 2,36,000 के पार हुई मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 9,887 नए केस सामने आए। 249 लोगों की मौत हुई है। अब तक 6,642 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा है। कुल मरीज की संख्या 9,733 हो गई है। प्रदेश में 5,648 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, तो वहीं यूपी में अब तक 257 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के अब तक 3,828 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना वायरस का कहर जारी है। राज्य में कोरोना के हर दिन नए केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1220 पहुंच गई है। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर को 2 दिन बंद करने के लिए प्लान तैयार किया। आज से 2 दिन देहरादून शहर बंद रहेगा। 2 दिन तक दून नगर निगम को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं भीड़भाड़ वाले जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। जरूरी सेवाओं में ढील दी जाएगी। कोरोना प्रकोप के बीच चमोली वालों के लिए राहत की खबर है। कोरोना के 15 मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला अस्पताल में सभी मरीजों का इलाज चल रहा था। डिस्चार्ज में मरीजों में बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर, नर्स और स्थानीय लोगों ने सभी के ठीक होते हुए उन सबको विदा भी किया। सीएम रावत ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले तीर्थ पुरोहितों से बात की जाएगी, तब जाकर कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना बातचीत यात्रा नहीं शुरू की जाएगी। सीएम रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षित यात्रा कराना हमारा लक्ष्य है। कोरोना संकट से पूरे देश में सब कुछ बंद है। ऐसे में केंद्र ने अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला लिया है, जिससे हरिद्वार के हर की पौड़ी में भी श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। वहीं हर की पौड़ी में आए श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला है। कोरोना को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई को लेकर तमाम जिलों के प्रशासन ने जो व्यवस्था की है वो संतोषजनक है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसके लिए तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार में बड़ी लापरवाही बरती गई है। शव के पास बिना पीपीई किट पहने लोग खड़े दिखे। बिलारी निवासी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। दफन के दौरान बिना पीपीई किट पहने लोग शव के पास देर तक खड़े रहे। वहीं पुलिस और स्थानीय विधायक दूरी पर खड़े नजर आए। बागपत कोर्ट में वकीलों के चैंबर में जमाती और उनके समर्थकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वकीलों ने चैंबर के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया और उसमें लिखा है कि जमाती और हिमाचियों की नो एंट्री। वहीं जमाती पक्ष के वकील को भी दूसरे वकील अपने चैंबर में बैठने से इनकार कर रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिस में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 4 हो चुकी है, जिसमें प्राधिकरण के एक ओएसडी भी शामिल है। एहतियातन ऑफिस को सैनिटाइज करके सील कर दिया गया और सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही है। सभी कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी भी दी गई है, साथ ही वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कहा गया है। कोरोना कहर के बीच कानपुर के आईजी महिला अग्रवाल ने हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया। दरअसल शिवनगर कच्ची बस्ती में लगातार कोरोना मरीज पड़ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल लोगों को जरूरी सामान की होम डिलीवरी कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान आईजी मोहित अग्रवाल के साथ एसपी दक्षिण अपर्णा गुप्ता और सीओ मनोज गुप्ता भी मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी में मैंगलगंज इलाके में दो कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने मौके पर जाकर बंद की गई वेरी कैटिंग का निरीक्षण किया और लोगों को कोविड 19 से जुड़ी जानकारी देकर जागरूक किया। हल्द्वानी में टैक्सी यूनियन जल्द हड़ताल पर जा सकती है क्योंकि रेड जोन के चलते नैनीताल जिले के टैक्सी ड्राइवरों को 14 दिन तक क्वारंटीन किया जा रहा है। टैक्सी यूनियन का कहना है कि अन्य जिलों के टैक्सी ड्राइवरों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा, सिर्फ नैनीताल के साथ ही ये व्यवहार किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। इस बीच भारत में हज की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को पूरा भुगतान करने का फैसला किया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उन तीर्थयात्रियों का 100% भुगतान वापस करने का फैसला किया है जो इस साल तीर्थयात्रा के लिए जाना चाहते थे। बताया गया है कि हज 2020 के बारे में सऊदी अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हुई है। कोरोना वायरस की वजह से चीन और अमेरिका के रिश्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति पिछले कुछ महीनों से चीन पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। हालांकि अमेरिका चीनी विमानन कंपनियों को अमेरिका के लिए सीमित संख्या में उड़ाने की अनुमति देगा। अमेरिका ने चीन की विमानन कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में चर्चिल इमाम की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए कुछ और वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि चार्जशीट दाखिल करने में कुछ और वक्त लग सकता है। चर्चिल इमाम पर यूपीआई लगाया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि चर्चिल इमाम के व्हाट्सएप और टेलीफोनिक कॉल्स की जांच चल रही है जिसमें अभी कुछ और वक्त लग सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून तक के लिए टाल दी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी एक अनोखी शादी देखने को मिली जहां पर दुल्हा और दुल्हन ने मास्क तो पहने ही थे लेकिन उन्होंने 60 फेरे लेने की जगह संविधान की शपथ लेकर शादी की है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी जानकारी शेयर की है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल हीट वेव की समस्या से राहत मिलती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विपक्ष का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत से अब पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कुछ दिनों में मौसम में हुए बदलाव की वजह से यहां पर ठंडा जो है बढ़ गया है। ठंड की वजह से स्थानीय लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। लद्दाख के बाद अब चीन लिपुलेख में भी भारत को आंख दिखा रहा है। पिथौरागढ़ में चीनी सैनिक पिछले कुछ दिनों से भारत की ओर झंडे लहराकर सीमा पर बने भारत के टिन शेडों को हटाने की चेतावनी दे रहे हैं। चीनी सैनिकों की उकसाने वाली हरकतों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। हरदोई में एक 16 साल के लड़के ने सीएम योगी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर बनाई है। इसी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर भी एक स्केच तैयार किया है। लड़का सीएम योगी को अपना आइडल मान रहा है। देश में बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। इसे देखते हुए गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत ने मोदी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने कहा कि आजादी के बाद इन 6 सालों में हर मोर्चे पर विकास कार्य हुआ है जिसमें गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, कानूनी और आर्थिक सुधारों को अमलीजामा पहनाई गई। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया था। वहीं इस फैसले पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि किसानों को मदद मिलती रहे इसके लिए केंद्र में मॉडल एक्ट लागू किया गया था जिसे सबसे पहले उत्तराखंड ने लागू किया और किसान की फसल को मंडी में लाने की अनिवार्यता को खत्म किया गया। इससे किसानों को राहत जरूर मिलेगी। नोएडा में फिर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। पूरी रात एम्बुलेंस इलाज के लिए अस्पताल का चक्कर काटती रही लेकिन किसी ने भी उसका इलाज नहीं किया जिसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया।
शामली में बीच सड़क में युवकों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल बाइक टकराने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। बाइक सवार युवक को कई युवकों ने मिलकर पिटाई कर दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बदायूं में पड़ोसी से झगड़ा होने पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। अनपनन में पुलिस ने पड़ोसी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, यहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है और व्यक्ति को खुद पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शाहजहांपुर में एक युवक ने तमंचे से अपने भतीजे और भतीजी को गोली मार दी। गोली से घायल दोनों लड़के लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद की रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में लखीमपुर खीरी के 25,000 के दो इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। कमलेश तिवारी की हत्या के बाद आरोपियों को नेपाल भागने में मदद की गई। जौनपुर के निवादा गांव के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने सराफा कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। सराफा कारोबारी की दुकान पट्टी बाजार में है। दुकान बंद करके घर आते समय रास्ता में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। ऋषिकेश में नाबालिग को अश्लील फिल्म दिखाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर पर नाबालिग की मां ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की मां की इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के भाई और चाचा चाची ने नाबालिग के साथ मारपीट भी की। नाबालिग ने जहर खाकर आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बुलंदशहर में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी की गोली मारकर लहूलुहान कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां से उन्हें हार मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। अमरोहा के जंगल में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला है, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक 6 साल से अपने ससुराल में रहकर काम कर रहा था। वहीं घर वालों का कहना है कि मृतक अचानक से घर से गायब हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ में एक झोलाछाप डॉक्टर की वजह से एक महिला की जान चली गई है। दरअसल घर वालों ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराया और बाद में पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के पूछताछ किए जाने पर पता चला कि दोनों के पास ना तो ऑपरेशन थिएटर था और ना ही कोई डिग्री है। बिना डिग्री के ही डॉक्टर पति पत्नी गांव के लोगों का इलाज करते थे और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी कर दिया करते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।